स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर की बॉटनी क्लास लेकर आए, जिसमें हम लास्ट टाइम पर यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एविडेंसेस, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 20 है। इससे पहले की 19 लेक्चर हमारी हो चुकी है, आप सभी चाहें तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियोज में लास्ट तक बने रहा करें, जिससे कि आप सभी का कोई भी पॉइंट ना छूटे। एग्जाम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स यहाँ पर आप सभी को नोट डाउन कराए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एपीजे सिस्टम क्लासिफिकेशन की बात की थी, आज हम टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस की बात करेंगे। जैसा कि सिलेबस में इंक्लूड किया गया है टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम पैलिनोलॉजी, साइटोलॉजी, मॉलिक्यूलर डाटा एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम पैलिनोलॉजी एंड साइटोलॉजी के बारे में बात करेंगे। पैलिनोलॉजी एंड साइटोलॉजी में जो भी टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस उसके द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो फ्रेंड्स, क्या है हमारा टॉपिक? हमारा टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम पैलिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम जानेंगे पैलिनोलॉजी क्या होता है। पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम पोलन ग्रेन्स की स्टडी करते हैं, और पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर होल प्लांट के कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं पैलिनोलॉजी से हमें पोलन प्लांट के पोलन ग्रेन्स से हमें क्या क्या टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप सभी नोट डाउन करना स्टार्ट कीजिए। पैलिनोलॉजी पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स का साइंस है, यानी कि पैलिनोलॉजी के अंतर्गत पोलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स की स्टडी की जाती है। प्लांट्स के जो भी स्पोर्स होते हैं उनकी स्टडी हम पैलिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। पोलन ग्रेन्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इवोल्यूशन इन प्लांट्स, यानी कि पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स प्लांट्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी कि आकारिकी और कारिकी से जुड़े विकासों को एक्सप्रेस करते हैं। पोलन ग्रेन्स द्वारा प्लांट्स के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इवोल्यूशन को एक्सप्रेस किया जाता है, यानी कि उनके जो कि कारिकी और आकारिकी में जो भी विकास होते हैं उनको ये प्रकट करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन मॉर्फोलॉजी हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस, यानी कि पोलन मॉर्फोलॉजी द्वारा पोलन ग्रेन्स की जो मॉर्फोलॉजी उसकी आकारिकी होती है उसके द्वारा हमें एविडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस प्राप्त होते हैं। किस लिए? स्प्लिटिंग ऑफ जेनरा यानी कि जेनरास की क्लासिफिकेशन के लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लूज एविडेंसेस हमें प्राप्त होते हैं पोलन मॉर्फोलॉजी द्वारा। पैलिनोलॉजिकल एविडेंस मे बी यूज टू प्लेस टैक्सा ऑफ अनसर्टेन एफिनिटीज टू सजेस्ट रीअरेंजमेंट, विथड्रॉल एंड सेपरेशन, यानी कि जो पैलिनोलॉजिकल एविडेंस होते हैं वो टैक्सा यानी कि टैक्सा को प्लेसमेंट, टैक्सास के प्लेसमेंट यानी कि जो भी ग्रुप होते हैं उनके प्लेसमेंट के लिए जो कि उनमें अनिश्चित समानताएं होती हैं उनका जो पृथक्करण होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पैलिनोलॉजी हैज बीन वैल्यूएबल एड फॉर टैक्सोनॉमिकल रीअरेंजमेंट, यानी कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायता हमें प्रदान करता है प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में, उनके आइडेंटिफिकेशन में। पोलन मॉर्फोलॉजी या पैलिनोलॉजी जो होता है वो टैक्सोनॉमिकल रीअरेंजमेंट यानी कि टैक्सोनॉमी के आधार पर प्लांट को रीअरेंज करने के लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सहायता हमें प्रदान करता है। इट वॉज हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्सा, यानी कि यह टैक्सा के आइडेंटिफिकेशन में बहुत ही हेल्प करता है हमारी। पोलन कैरेक्टर्स हैव हेल्प्ड इन डिफरेंशिएशन ऑफ वेरियस टैक्सा, यानी कि हम वेरियस टैक्सा का डिफरेंशिएशन उनका पृथककरण उन्हें पोलन ग्रेन्स के आधार पर भी सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स के आधार पर वेरियस टैक्सा का डिफरेंशिएशन और सेपरेशन किया जाता है। तो ये हो गया टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम पैलिनोलॉजी। बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम साइटोलॉजी की तरफ। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम साइटोलॉजी की तरफ। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी क्लास करते हैं, वीडियो को देखते हैं तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दिया करें। आपकी जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन ही नहीं आता है मेरे पास, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आप सभी कमेंट्स में जरूर पूछ लिया करें। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक क्या है? टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हैज मेड एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू टैक्सोनॉमी ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डिकेड्स, यानी कि साइटोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टैक्सोनॉमी में पुराने यानी कि जो भी उनके पूर्वज होते हैं उसके द्वारा यह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन अपना देता है साइटोलॉजी टैक्सोनॉमी में। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स सच एज क्रोमोसोम नंबर एंड मॉर्फोलॉजी एंड देयर बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर एंड मियोसिस आर ऑफ कंसिडरेबल टैक्सोनॉमिक वैल्यू, यानी कि
साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि क्रोमोसोम नंबर एंड उनकी मॉर्फोलॉजी जो होती है एंड मियोसिस के दौरान उनका जो बिहेवियर और स्ट्रक्चर होता है वह एक कंसिडरेबल यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण टैक्सोनॉमिक वैल्यू वाले होते हैं, यानी कि टैक्सोनॉमी में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसका? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स लाइक एज क्रोमोसोम नंबर यानी कि क्रोमोसोम नंबर्स का, उनकी मॉर्फोलॉजी का और मियोसिस के दौरान उनका जो बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर होता है उसका टैक्सोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सिंस द साइटोलॉजिकल डाटा आर डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम न्यूक्लियस, यानी कि इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी साइटोलॉजिकल डाटा होते हैं वह डायरेक्टली न्यूक्लियस से डिराइव होते हैं या फिर डायरेक्टली न्यूक्लियस द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जितने भी साइटोलॉजिकल डाटा होते हैं वह किसी न किसी तरह से न्यूक्लियस द्वारा ही अटैच होते हैं। तो ये रहा हमारा टैक्सोनॉमिक एविडेंसेस फ्रॉम साइटोलॉजी। इससे पहले हमने पैलिनोलॉजी की स्टडी की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।